सतलुज ब्यास लिंक मुद्दे को लेकर पंजाब में सियासी घमासान। कांग्रेस के 42 विधायकों ने विधानसभा सचिव को सौंपा इस्तीफा। 16 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र पंजाब सरकार ने बुलाया। दो दिन बंद रहने के बाद आज से एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर शहर का एक जैसा हाल। कई जगह एटीएम कैशलेस। टोल फ्री अब बना रहेगा दिल्ली नोएडा डायरेक्ट। डीएनडी यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाने से इनकार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आग का कोहराम। कपड़ा फैक्ट्री में लापरवाही की लपटों में 13 लोगों की जान गई, 10 लोग झुलस गए। आज का एजेंडा देखें कि लापरवाही के लपटे कब तक। उत्तर प्रदेश के बागपत में खाई में पलट गई बेकाबू स्कूल बस। 65 स्टूडेंट्स हुए घायल, 10 की हालत गंभीर है। दिल्ली और मेरठ के अस्पताल रेफर हुए। कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद सतनाम को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। आज तरन तारण लाया जाएगा शव। रणबांकुरे की शहादत पर देश को नमन। चिंकारा केस में अभिनेता सलमान खान की बड़ी मुश्किल है। राजस्थान सरकार की याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने जारी कर दिया है नोटिस। गाजियाबाद में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आगाज। राज्यसभा सांसद एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। मैं वृक्षों को वनों का प्रतीक मानकर उनकी उपासना करता हूं।